अटल फिल्म रैकेट को लेकर राज कुंद्रा ने खुद किया है एक चौंका देने वाला बयान। चलिए बताते हैं आपको बेटी टेल में, फिर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत है फिर एक बार मूवीज अड्डा में। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि राज कुंद्रा अरेस्टेड है और फिलहाल उनकी पूछताछ चल रही है मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ। और आपको बता दूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है मुंबई क्राइम ब्रांच को पूछताछ के वक्त। उन्होंने कहा है कि मेरे पास जो भी पैसे आते थे, क्योंकि लाखों रुपए रोज इन एंड आउट होते हुए दिख रहे हैं उनके बैंक अकाउंट्स में, और इस वजह से उनको सवाल किया गया था मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा कि आखिरकार ये सारे पैसे, इतनी सारी पैसों की उलाढ़ाल कैसे हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था आर्म्स प्राइम मीडिया, और इस कंपनी के अंडर ही उन्होंने हॉट शॉट्स इस ऐप को बनाया था, और इस ऐप के माध्यम से सॉफ्ट पॉर्न की जो फिल्में होती है उनका वो प्रसारण करते थे या उनको मार्केट किया करते थे। आपको बता दूं कि अब राज कुंद्रा ने ये बयान तो दे दिया, पर बैंक अकाउंट्स का क्या? तो उन्होंने कहा कि ये सारे जो बैंक अकाउंट्स है, जो पैसे है, वो मुझे डायरेक्टली नहीं आते थे। मुझे अलग अलग 13 अकाउंट थे ऐसे जिनमें से उनको ये पैसे आते थे, और उनकी जो कंपनी है वियान, वहां पर ये सारे ट्रांजैक्शंस होते थे जिसके बाद वो पैसे आ जाते थे राज कुंद्रा के पर्सनल बैंक अकाउंट। तो इतने सारी उलाढ़ाल हो रही है पैसों की, दोस्तों क्या कहना है आपको, क्योंकि डेफिनेटली अंडरडॉग्स जो है कहीं ना कहीं इस सभी का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हमें सिर्फ ये पिक्चर जो है सामने से कुछ और, पर अंदर जितने अंदर घुस रहे हैं, जितना पूछताछ ज्यादा हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि इस पूरे रैकेट को लेकर बहुत गहराई छुपी हुई है। आपको क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएगा। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ।